हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आज आर्ट्स पाठशाला का जो संस्था है उसके द्वारा एक प्रयास किया गया कि जीएस का एक नया प्लेटफॉर्म लाया जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसे होती थी जो आर्ट्स से संबंधित तो होता था लेकिन वो आर्ट्स के बच्चों से थोड़ा सा ऊपर हो जाता था। तो उस चैनल पे बहुत सारी बातें जो है वो रिस्ट्रिक्शन के तौर पे हम लोग नहीं डालते थे, बहुत सारा हौचपौच हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक नया चैनल बनाया जाए। तो आज के दिन 22 जनवरी, आपको पता होगा पूरे भारत में बड़े धूमधाम से दीपावली का एक तरीके से त्योहार आप समझ लीजिए वो मनाया जा रहा है। तो उसी के शुभ अवसर पे हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया कि चलो भगवान राम का नाम लेकर के, भगवान श्री राम का नाम लेकर के हम लोग भी कुछ नया चीज स्टार्ट करें, कुछ नया इनिशिएट करें और उनसे कुछ सीख करके, उनके कुछ बातों को दिमाग में रख के, ध्यान में रख करके कुछ अच्छा कर सके। इसीलिए हम लोगों ने आज का ही दिन चुना। आपको पता होगा कि आज भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम, जो कि त्रेता युग में आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ी मिसाल दे करके हम लोगों को अपना एक अवतार लिए थे, और वही अवतार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एक साधारण से व्यक्ति कैसे असाधारण सा काम कर सकता है। एक छोटे से, आप यूं समझिए कि घर से निकल करके इतनी बड़ी एक गाथा बन जाना, एक इतनी बड़ी मिसाल बन जाना, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान राम कर सकते हैं। आज उनका पर्व पता होगा कि पूरे भारत में मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप पता होगा कि आज अयोध्या जो कि यूपी में है, वहां पर भगवान श्री राम लला के जो जन्म स्थल है वहां पर उनकी एक मंदिर बनाई गई है और उन्हें स्थापित किया गया है। उसी अवसर पर आज पूरे भारत में, पूरे देश में, इवन कि कई देशों में भी इसका एक जश्न मनाया जा रहा है, और मनाया जाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बातें हैं। मंदिर बना हिंदू धर्मों के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ टीस रह जाती है। टीस ये रह जाती है कि हम लोग धर्म को मानने से ज्यादा दिखाने में काम करते हैं। धर्म एक ऐसा, जहां तक हमारा बिलीव होता है कि धर्म एक ऐसा आस्था है जिसमें दिखने से ज्यादा आदमी काम करे, अपने धर्म को माने जरूर लेकिन कर्म पे ज्यादा फोकस करे। धर्म कोई दिखावे की चीज नहीं होती है, और आज के समय में उनका नाम लेकर के शायद जहां हमें तक लगता है, हम जहां तक देखे हैं, जो देख पा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जो शायद भगवान श्री राम के नाम को ले तो जरूर रहे हैं लेकिन उन्हें बदनाम करने के तौर पे ले रहे हैं। इसलिए हम सोचे क्यों ना कुछ छोटी मोटी बातें ही सही लेकिन आप तक कुछ बातें पहुंचाई जाए जो भगवान श्री राम से क्या सीखा जा सके। वो बातें जो श्री राम से सीखना चाहिए, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। एक साधारण से व्यक्ति कैसे असाधारण सा काम कर जाते हैं, कैसे समस्याओं से घिरे होने के बावजूद भी उसको कैसे सहज तौर से काम कर लेना होता है, ये सीखने की चीज है। समस्याओं से घिरे हैं फिर भी धैर्य जो है वो बना करके रखना, ये मानव जीवन में अगर हो पा रहा है तो इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल, सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो वो भगवान श्री राम है। सिर्फ राम का नाम लेने से नहीं होगा, आपको राम के नाम लेने के साथ आपको उनके द्वारा दिए गए वचनों को, उनके द्वारा दिए गए मार्गों को भी आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारना होगा। अदरवाइज आप राम का नाम तो जरूर लेंगे लेकिन उनके कर्मों को, उनके द्वारा दिए गए मार्गों को आप तय नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज भगवान श्री राम के नाम से आज एक शुरुआत किया जाए। भगवान राम के जीवन से क्या सीखना चाहिए हमें, बहुत लंबी चौड़ी अगर उन पे किताब तो आप पता होगा बहुत सारे लिखी भी जा चुकी है, लेकिन शायद अगर कोई व्यक्ति अगर उनको लिखे, लिख भी दिए बहुत सारे, इसके बावजूद भी कई चीजें अधूरी रह जाती है, वो खुद में एक जीता जागता उदाहरण है। भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक अवतार भगवान श्री राम का है, जो कि एक साधारण से मनुष्य के तौर पर आए थे। बाकी जितने भी अवतार देखिएगा वहां पर किसी पर्पस से वो आए थे, किसी का वध करने के लिए, किसी को सबक सिखाने के लिए, लेकिन एक अवतार जो साधारण सा मानव जीवन का अवतार, वो भगवान श्री राम का था, श्री रामचंद्र जी।
तो चलिए क्या सीखते हैं उनके जीवन से, कुछ बातें करते हैं नमन करते प्रणाम करते हुए। और ये आप दिख पा रहा होगा कि ये ही जो विराजमान किया गया है, इसी मूर्ति को विराजमान किया गया है। और यह अयोध्या का आपको देख पा रहा होगा कुछ जो डिज़ाइन है, जिसको काफ़ी बेहतर तरीके से बनाया जा चुका है। तो क्या क्या हमें सीखना चाहिए, कुछ बातें हैं जो देखिए आपको ज़रूर समझनी चाहिए, ज़रूर समझनी चाहिए। भगवान श्री राम के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण जो है बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहला, विनम्र ही सर्वोत्तम नीति है, यानी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा ज्ञान लेते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान लिए और लग गए एकदम ज्ञान बघारने, और ऐसा लग जाता है जैसे दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति, सबसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति हम ही हैं। देखिए श्री राम, भगवान श्री राम को देखिए, एक तरफ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, इवन कि हर कुछ वो जानते थे, आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा हर कुछ उन्हें पता था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी, आपको पता होगा कि ज्ञानी थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने ज्ञान पे, अपने अस्त्र शस्त्र का जो उनका ज्ञान था उस पर उन्होंने कभी भी अहंकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया जिसमें अहंकार नाम की कोई भी बू नहीं आती। कितनी अच्छी बात है, सोचिए उतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी उनमें अहंकार नहीं था। और हम लोग तो एक साधारण से भी साधारण मानव है, न जाने क्यों इतने ज्यादा अहंकार में खो जाते हैं। सीखने की चीज है, और सीखने के साथ साथ आपको दूसरे को बताने की भी चीज है। दूसरी, आप देखिए कभी हार मत मानना। आपको पता होगा कि भगवान श्री राम की जो धर्म पत्नी थी माँ सीता, उन्हें रावण हरण करके लंका लेके चला गया। अब सोचिए लंका लेके चला गया और वहां पर कैसे पहुंचना है, रास्ते में कितनी कठिनाइयां आई। आम आदमी होते कोई शायद तो शायद छोड़ देते हैं, उन्हें लगता कि चलो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उन्हें जीवन में एक लोगों को सबक सिखाना था, लोगों को ये जिद दिखाना था कि अगर आप ठान लिए हैं तो शायद कभी भी हार नहीं मानेंगे, जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। अपने वो साथी के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने भाई के साथ लंबे समय तक सफर करने के बाद एक समय आया जब माँ सीता को वो वापस ले आए रावण का वध करके। आपको पता होना चाहिए कि उस लक्ष्य तक जाने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं एहसास हुआ कि वो थक गए। इसलिए अपने जीवन में भी, हम अपने जीवन में भी प्रयास करें कि जिसने भी जो लक्ष्य बनाया है, जिसने भी जो अपना एक एम बनाया है, उसमें बिना थके बिना रुके हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी प्रेरणा हमें राम से लेना होगा, भगवान श्री राम से देखना पड़ेगा। तीसरी, हर स्थिति में शांत रहना। सोचिए आज के समय में व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे इतना ज्यादा गुस्सा कर जाता है, छोटी छोटी बातों पे अपने आप को काबू नहीं रख पाता है। और सोचिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में, उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ा, माँ का आदेश मानना, पिता का आदेश मानना। एक साधारण कोई व्यक्ति होता ना तो शायद वो ठुकरा देता और इस तरीके से एग्रेसिव रिएक्शन करता कि हो सकता है कि जो आज ये कहानी पढ़ रहे हैं वो नहीं हो पाती। लेकिन उन्होंने उसको, जैसे आप हार समझते हैं ना, स्वीकार कर लेना गले में, वैसे हार मतलब वो हार नहीं, मतलब उन्होंने इस स्थिति को भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें एक एग्जाम्पल देना था मानव के लिए। राम का नाम ले लेने से, जप लेने से नहीं, आपको राम जैसे जीवन को जीना पड़ेगा अगर आप अच्छा इंसान बनना चाह रहे तो। इसलिए हर स्थिति में आपको शांत रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो जाइएगा तो धीरे धीरे आपका वो एग्रेसिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं आपको कमजोर कर देगा। इसलिए हर स्थिति में गंभीर रहना, शांत रहना। आप उनके पूरे जीवन को उठा करके देख लीजिए, जबकि उनके भाई लक्ष्मण थे वो शांत नहीं रहते थे, उन्हें भी वो शांत करते थे। इसलिए तो कई बार दिया जाता है कि भगवान जो राम हैं, अगर वो विष्णु के अवतार थे तो पता होगा शेषनाग के अवतार लक्ष्मण थे, जो कभी भी छोटी मोटी बातों पे तुरंत वो गुस्सा कर जाते थे, लेकिन भगवान राम धैर्यवान थे, धीरज से काम लेते थे। इसलिए उनसे ये सीखनी चाहिए हमें कि हर परिस्थिति में हमें शांत रहना पड़ेगा।
इसके अलावा अपने से बड़ों का पालन करना और उसका सम्मान करना, इसका क्या एग्जाम्पल है बताइए, सोचिए खुद ही कि जब उन्हें त्यागना पड़ा घर को, परिवार को, समाज को, तो उन्होंने अपने पापा के जो आप उनके पिता थे, आपको पता होगा भगवान दशरथ, उनकी बातों को उन्होंने नीचे नहीं गिरने दिया, माता की बातों को उन्होंने नहीं काटा, अगर चाहते तो काट सकते थे। फिर क्या सीखती हमारी आने वाली पीढ़ी, क्या सोचती उनके बारे में। और आज के समय में हम लोग बड़े लोगों का किसी भी तरीके का कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सम्मान तो खैर दूर की बात हो जाती है, रिस्पेक्ट और सम्मान में आप नॉर्मली आप हिंदी इंग्लिश वर्ड समझ लीजिएगा, सम्मान जो होते हैं वो एक बहुत बड़ी जज्बाती चीज होते हैं, बहुत जज्बाती चीज होती है। रिस्पेक्ट का मतलब या सम्मान का मतलब ये नहीं कि मिल गए प्रणाम पार्टी हो गया चलिए ठीक है, नहीं, आपको उनके लिए इज्जत रखनी पड़ेगी। एक कहावत सुने हैं, मुख में राम बगल में छुरी, आज के समय में यही हो रहा है, नाम भगवान राम का ले रहे हैं और समाज में परिवार में आप गंध फैलाए हुए हैं। इसलिए बड़े लोगों का, चाहे आपके बड़े भाई हो, बड़े चाचा हो, दादा हो, जो भी हो, चाहे घर में बड़ी बहन हो, कोई भी हो, आप बड़े छोटे सबके साथ सम्मान का व्यवहार करें। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है भगवान राम का। इसके अलावा दोस्त का महत्व, सोचिए भगवान जो हनुमान जी आप जानते होंगे, उन्हें मिले, रास्ते में मिले, दोस्त बनाए और अंतिम समय तक उन्होंने अपने भगवान, उनके चूंकि पता होगा कि उनके वो सबसे बड़े दासी समझ लीजिए, उनके बड़े भक्त समझ लीजिए, लेकिन उनके साथ उन्होंने मित्रतापूर्वक व्यवहार किया, उन्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो मेरा एक तरीके से शिष्य है या कुछ, उन्हें मित्र के जैसा रखा, भाई राम लक्ष्मण को भी मित्र जैसा बनाया, इवन कि सुग्रीव मिले आपको पता होगा उन्हें भी मित्र जैसा रखा, विभीषण जो कि लंका का पता होगा कि भेद पूरा बताया, उन्होंने भी उनके साथ मित्रता के व्यवहार किया। तो एक मित्रता क्या होती है, एक दोस्ती का महत्व क्या होता है, ये भी हमें सीखने को मिलता है भगवान श्री राम से। इसके अलावा सबके साथ समान व्यवहार करना, आपको पता होगा कि जब वो घर से जंगल की ओर जा रहे थे, रास्ते में दासी प्रजा सब मिल रहे थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिसमें वो बहुत सारे, ऑब्वियसली अगर ये राजा हैं तो ऑब्वियसली जो प्रजा होगी वो गरीब ही होगी, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको यह एहसास नहीं होने दिया कि वो, आज जो हम लोग जाति और धर्म को लेकर के जो ऊपर नीचे देखते हैं, उन्होंने कभी यह एहसास नहीं होने दिया। वो रामयुग था, इसलिए उन्होंने सबके साथ समान, आपको पता होगा कि उन्होंने जब माता सीता को खोजने निकले तो सबड़ी मिली थी, पता होगा जिनका उन्होंने जूठे बेर खाए थे। कितना आपको हम बताएं शायद कम पड़ जाएगा शब्द, इसलिए प्लीज आप लोग भी भगवान राम को मानिए जरूर, नो डाउट, लेकिन उनका सम्मान करिए, उनका रिस्पेक्ट करिए। आज इतनी पताके ध्वजे लहराई जा रही है, कल कौन कहाँ गिर जाएगा, कहाँ क्या पड़ जाएगा, कोई उसे देखने वाला नहीं होगा, इसलिए प्लीज, छोटा सा ही ये मैसेज है लेकिन बहुत बेहतर मैसेज है, इसलिए आप इसको समझिए। इसी के साथ हम लोग भगवान श्री राम के आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और हमारा जो अपना चैनल है इसको हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करें। जीएस की छोटी छोटी बातें, छोटी मोटी बातें होंगी जो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाने का मेरा ये माध्यम रहेगा, प्रयास करेंगे कि जुड़ते रहें हमारे साथ, सूरज सर हमारे साथ, नितिन सर हमारे साथ, और भी सर जुड़ेंगे। आज हमारे साथ सूरज सर जुड़े हुए हैं जो आपको करंट अफेयर्स की छोटी मोटी बातें जो आपको होंगी वो डेली आप तक कन्वे करवाएंगे आसान भाषा में। धीरे 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 प्रयास करेंगे, हम अभी आपसे वादा नहीं कर रहे कि हम कोई एग्जाम का आपको बहुत बड़ा प्रिपरेशन करने वाले नहीं, छोटी मोटी बातें होंगी जो आपसे हम शेयर जरूर करेंगे। हमारे साथ चूंकि आए हुए हैं